ओके, वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस ऑफ एचसीवी 1 चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर 11 to 20। ओके, पहला क्वेश्चन देखेंगे 11, देखते क्या दिया। टू वेक्टर्स ऑफ द मैग्नीट्यूड 2 एंड 3, द एंगल बिटवीन देम इज 60, द फाइंड स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट में डॉट है ना, ए बी कॉस थीटा ए एंड बी दिया है, कॉस 61/2 3 मीटर स्क्वायर, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दियर वेक्टर प्रोडक्ट मॉड निकालना है, ए बी साइन थीटा, ए बी दिया है, साइन थीटा इज 60√3/2, ये आंसर आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, A1 से A6 एंड फाइनली A1, बी द रेगुलर हेक्सागोन, राइट द एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय द 6 साइड्स इन ऑर्डर। ठीक है, तो सपोज इसका हमने ए ले ली साइड, तो इसका एक्स कंपोनेंट तो ए ही आएगा, राइट। और इसका एक्स कंपोनेंट कितना आएगा, ये ए कॉस पाई बाय 3, ए कॉस 60, ठीक है। एंड उसके बाद इसका, सॉरी ये वाला, इसका एक्स कंपोनेंट, ये एंगल कितना है 2π/3, तो ये ए कॉस 2π/3, इसका जो है ये एंगल कितना है 3π/3, मतलब 180 है। ऑफ कोर्स इसको हम लिखेंगे कैसे, ए इंटू कॉस 3π/3, तो कॉस पाई रह जाएगा, उसके बाद फिर पाई बाय 3 और बढ़ गया नेक्स्ट वाले का एक्स एक्सिस के साथ, तो ए कॉस 4π/3 आ जाएगा, और उसके बाद फिर से पाई बाय 3 और बढ़ गया, तो ए कॉस 5π/3 आ जाएगा, है ना। और इनका सबका सम 0 होना चाहिए, बिकॉज क्लोजिंग क्लोजिंग हेक्सागन है, यहाँ पर क्लोज हो रहा है, तो ए तो कॉमन लेके चला गया, ये सब राइट साइड में 0 है, तो इनका सम देखते हैं 0 है कि नहीं। कॉस 0 इज 1, कॉस पाई बाय 3 इज 1/2, कॉस 2π/3, कॉस 120 माइनस 1/2 होता है, 3π/3 कॉस पाई होता है विच इज़ -1, ये 4π/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस पाई प्लस पाई बाय 3, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है ना, कॉस माइनस कॉस 60 आ जाएगा, तो -1/2, और उसके बाद ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में वापस आ रहा है 2π प्लस, एक मिनट, ये तुम्हारा आएगा 2π माइनस पाई बाय 3 आएगा ना, यहाँ पे माइनस आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कॉस होता है प्लस ही रहता है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा ये, तो ये तुम्हारा कॉस पाई बाय 3 आ जाएगा विच इज़ 1/2, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल, 0 आ गया। ऑलराइट, तो दैट इज़ हाउ इट इज़ प्रूव्ड। नेक्स्ट वन इज 13, देखते ए एंड बी दिया है, फाइंड द एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम कॉस थीटा इज प्रोडक्ट ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर डिवाइड बाई द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वैक्टर। A1B1 वाला फार्मूला लगाया, A1B1 प्लस A2B2 कोपिशन मल्टीप्लाई होकर ऐड हो जाते हैं, नीचे मैग्नीट्यूड निकालिए, रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, ये रूट मैग्नीट्यूड का फार्मूला लगाया, इसको सिम्प्लीफाई किया तो ये आ जाएगा, दोनों रूट के अंदर मल्टीप्लाई होकर 1450 आ जाएंगे। डायरेक्ट फार्मूला बेस क्वेश्चन, चलो फिर नेक्स्ट पे देखते हैं। 14 पर प्रूव दैट ए डॉट ए क्रॉस बी इज 0, तो ए क्रॉस बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा इन कैप, ए इधर है इस प्लेन में, ये दोनों इस प्लेन में है, तो ए बी ए क्रॉस बी ऊपर आएगा, एन कैप ऊपर आएगा, मतलब परपेंडिकुलर आएगा, तो ये तो मैग्नीट्यूड है, इसको बाहर निकाल लिया। अभी ए डॉट एन कैप का लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो 1 एन यूनिट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड 1, दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये कॉस 90 विल मेक इट 0, कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगा, ये सब 0 हो जाएगा, फिर कॉस 90 इज 0, प्रोडक्ट ऑफ 0 इज विद अदर से 0। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए एंड बी दिया है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल, डिटरमिनेंट से निकालते हैं हम लोग, फर्स्ट एलिमेंट इनटू इसको कैंसिल करके रिमेनिंग का फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट माइनस रिमेनिंग का प्रोडक्ट माइनस सेकेंड एलिमेंट
ये रो एंड ये कॉलम हाइड हो जाती है। अभी इनका फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट 2 × 2 माइनस रिमेनिंग का प्रोडक्ट, प्लस ये प्लस होता है, ये माइनस ये प्लस, फिर थर्ड एलिमेंट लिया प्लस, उसका कॉलम एंड रो हाइड किया, फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट ये माइनस रिमेनिंग का प्रोडक्ट है। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ऑल राइट, चलो फिर 16 ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, शो दैट इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, वो ज़ीरो है। इज़ द कन्वर्स ट्रू, पहले ये देख लेते हैं। देखो ए इधर लिया, बी इधर लिया, सी इधर लिया हमने, तो ए क्रॉस बी का पहले लगाया, ए क्रॉस बी इज़ ए बी साइन 90, एन कैप, एन कैप राइट हैंड रूल से इधर आएगा। अभी कांस्टेंट आगे कर लिया हमने, ये तो वन हो गया, ए बी आगे कर लिया, सी एंड एन का क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, सी इधर है, एन बी इधर ही आ रहा है, दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, एंगल ज़ीरो हो गया, साइन ज़ीरो इज ज़ीरो, पूरा टर्म ही ज़ीरो हो गया। ऑल राइट, इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, कन्वर्ज मीन्स इफ़ ये ज़ीरो है ना, उनका प्रोडक्ट ज़ीरो है, देन चेक ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इनका ए बी सी का म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना ज़रूरी है क्या, वो चेक करते। तो हम पहले से देखते हैं, इफ़ ए क्रॉस बी आर इन सेम डायरेक्शन, तो ए क्रॉस बी जो है सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा उनके बीच में ज़ीरो हो जाएगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाएगा। सी का अभी इसकी वैल्यू ज़ीरो आ गई, सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लगा तो ज़ीरो हो गया। तो इसका मतलब क्या है, तीनों देर नीड नॉट टू बी इन म्यूचुअली पर, इस कंडीशन के लिए नीड नॉट टू बी इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, देर नीड नॉट टू बी इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अगर ये दोनों ए एंड बी एक ही डायरेक्शन में हुए है ना, तभी भी इनका जो वेक्टर प्रोडक्ट है तभी भी ज़ीरो आ जाएगा, परपेंडिकुलर हैं तभी भी ज़ीरो आ रहा है। 17 देखेंगे, पार्टिकल मूव्स ऑन द गिवन स्ट्रेट लाइन, ऐसे पार्टिकल मूव हो रहा है इस लाइन पर, विद द कांस्टेंट स्पीड वी, वी कांस्टेंट है, एट अ सर्टेन टाइम इट इज़ एट पी, यहाँ पर है, ऑन इट्स स्ट्रेट लाइन पाथ, ओ बी द फिक्स पॉइंट ओरिजिन ले लो, शो दैट ओ पी क्रॉस वी इज इक्वल टू, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजिशन ऑफ पी, आगे भी निकल गया ये या इधर भी है तभी भी क्रॉस प्रोडक्ट जो है सेम आएगा। लेट अस सी, तो ओ पी क्रॉस वी, तो दोनों ओ पी को हमने एक्सटेंड कर लिया, तो उनके बीच का एंगल थीटा बन रहा है, वेक्टर को हम शिफ्ट कर सकते हैं इसकी, इसको यहाँ टेल एंड टेल ज्वाइन करा के ऐसे एंगल देख सकते हैं, ये वी आ गया, तो ये तुम्हारा ओ पी, उसका मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, एक मिनट जस्ट थोड़ा सा लेट मी पुट इट प्रॉपरली, पी को तो मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर ओ पी हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर वी, दोनों के बीच का एंगल, और थीटा साइन थीटा, एन कैप, एन कैप वी क्रॉस बी, वी क्रॉस ओ पी, आउटवर्ड आएगा ये एन कैप, बाहर आएगा और डॉट, ये दोनों अपने प्लेन ऑफ पेपर के बाहर आएगा, ठीक है। तो अभी इसको और सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ओ पी इधर, हाँ इनवर्ट जाएगा, प्लेन ऑफ पेपर के इनवर्ट, ठीक है। तो एन कैप विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोथ द वेक्टर्स एनीवे, ठीक है। तो ओ पी साइन थीटा, डायग्राम में ध्यान से देखेंगे, ये ओके एक मिनट, ये तुम्हारा ओ पी है, इधर से थीटा है, तो इसके साथ अपोजिट एंगल आ जाएगा, ये अगर थीटा है तो ये इधर थीटा हो जाएगा, तो ये देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ओ पी साइन थीटा विल बी दिस वैल्यू विच विल बी ओ क्यू है ना, पर साइन थीटा में साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट होता है एंगल से दूर वाला कंपोनेंट, ये हो गया ओ की, इसको हमने पूरे को ओ क्यू लिख दिया, वी इधर है, वी का मैग्नीट्यूड वो भी कॉन्स्टेंट दिया है, ओ क्यू भी कॉन्स्टेंट है, और ये एक इनवर्ट डायरेक्शन है, ये भी चेंज नहीं हो रही, तीनों टर्म्स कांस्टेंट हो गए, तो ये पूरा इट इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, पी की पोजीशन चेंज भी हो जाएगी तभी भी ये मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा, ये तीनों प्रोडक्ट जो है इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी पी की पोजीशन चेंज कर लो तो एंगल भी चेंज हो जाता है एक्चुअली ओ पी की, उसमें होता क्या, देखो ये भी चेंज होता तो ये बढ़ रहा है और एंगल छोटा हो रहा है, तो एनी वे
प्रोडक्ट जो है इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है चेंज नहीं होगा। 18 देखेंगे, द फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय दिस रिलेशन। सपोज ई इज अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, बी इज अलॉन्ग द वाई एक्सिस, इन वॉट डायरेक्शन एंड विद वॉट मिनिमम स्पीड वी शुड ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बी सेंट सो दैट नेट फोर्स ऑन इट इज़ ज़ीरो। तो देखो ठीक है, तो नेट फोर्स जीरो कर दिया इक्वेशन में, यहाँ पे इक्वेशन लिख ली, नेट फोर्स जीरो कर लिया, तो क्यों क्यों तो इसके लिए क्वांटिटी हट जाएंगे, ये लेफ्ट साइड में ज़ीरो है तो ये रिलेशन आ गया। मतलब वी अगर ई इधर है तो वी क्रॉस बी का डायरेक्शन इधर आनी चाहिए, तभी तो दोनों मिलके ज़ीरो करेंगे, है ना। यहाँ पे देखो ये तो कैंसिल हो गया, वी क्रॉस बी की वैल्यू अगर माइन ये ई है, इसकी माइनस ई पुट करते तो कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट साइड में जीरो हो जाएगा। मतलब वी क्रॉस बी शुड बी दिस साइड इफ़ ई इज दिस साइड। तो ई की डायरेक्शन सपोज ई आई कैप है, दो तरह से इसको हम डिस्कस कर सकते हैं, ई इज़ आई कैप दिया हुआ है ये, ई इज़ गिवन आई कैप, और बी इज़ आल्सो गिवन जे कैप की तरफ है। तो वी किधर हो कि उसका क्रॉस प्रोडक्ट माइनस आई कैप हो जाए, तो वी शुड बी के कैप, के क्रॉस जे माइनस आई कैप होता है, के क्रॉस जे इज माइनस आई कैप, तो मतलब इधर जेड एक्सिस की तरफ, तो वी शुड बी दिस साइड। वैसे भी अगर आई कैप जे कैप नहीं किया, देखो वी अभी हमने वी इधर लिया, वी क्रॉस बी वी इधर है और बी इधर है, तो वी क्रॉस बी इधर ही आएगा जो कि अपोजिट टू ई होना चाहिए, तभी नेट फोर्स जीरो होगा। तो वी शुड बी अलॉन्ग जेड जेड एक्सिस। आल्सो मिनिमम के लिए क्या करेंगे, तो ये दोनों जो मैग्नीट्यूड हैं इनको मैग्नीट्यूड लेते हैं, अभी हम केवल डायरेक्शन नहीं ले रहे, तो ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, तो इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए इधर, है ना। तो ये साइन थीटा को नीचे भेज दिया, तो साइन थीटा शुड बी 90 डिग्री मिनिमम के लिए, साइन थीटा शुड बी 90 डिग्री बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू यहाँ होगी तभी वी मिनिमम होगा, फॉर वी मिनिमम थीटा शुड बी 90, तो ये 1 हो गया, तो ये 1 लिख दिया इसको, तो वी मिनिमम इज ई क्रॉस बी। तो जो हम चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं तो इतनी स्पीड से प्रोजेक्ट करो और दोनों के 90 डिग्री पे प्रोजेक्ट करो, तब वो नेट फोर्स जीरो होगा, अनडिविएटेड चला जाएगा वो चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इनफैक्ट ये 12th का जो है मैग्नेटिज्म के चैप्टर का टॉपिक है, ये वहाँ पर इसको लॉरेंज फोर्स बोलते हैं, टोटल लॉरेंज फोर्स, वी लर्न इट इन द 12th स्टैंडर्ड मैग्नेटिज्म में। 19 गिवन एग्जाम्पल फॉर विच ए डॉट बी इज इक्वल टू सी डॉट बी बट ए क्रॉस ए इज नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। अगर सी इक्वल होगा तो यहाँ से कैंसिल होके तो हमें इक्वल मिल सकता है, बट अनइक्वल में भी क्या ये ऐसा हो सकता है, यस चेक करते हैं। अगर हमने इसको 90 डिग्री पे लिया, तो ए क्रॉस बी ज़ीरो आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट सॉरी डॉट प्रोडक्ट में, कॉस होता है कॉस 90 इज ज़ीरो, तो ये ज़ीरो आ गया ए डॉट बी, और इससे सी भी 90 डिग्री पे लिया तो बी क्रॉस बी डॉट सी भी ज़ीरो आ जाएगा 90 डिग्री पे, तो दोनों ज़ीरो हो गए, ये भी ज़ीरो ये भी ज़ीरो, तो इक्वेट हो गए दोनों, बोथ आर इक्वल, ये भी ज़ीरो वेक्टर में नहीं होगा, ये भी ज़ीरो ये भी ज़ीरो, तो अभी इसमें ए इज़ नीड नॉट टू बी इक्वल टू सी, ए बड़ा लिया हमने देखो, सी को छोटा लिया, बी को और छोटा लिया, तो ए नीड नॉट टू बी इक्वल टू सी, है ना। दूसरी तरीके से देखते देखो, ऐसे हमें 90 डिग्री पता कैसे लगेगा, यहाँ से देखो इसको हमने लेफ्ट साइड में लिया है, ओके सी ईयर, हम सी डॉट बी को लेफ्ट में ले जाते हैं, ए डॉट बी एज इट इज सी डॉट बी, तो ये हो गया तुम्हारा ज़ीरो राइट साइड में, और आगे देखते हैं, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं बी को, ए माइनस सी डॉट बी, है ना, इज इक्वल टू ज़ीरो,
तो ये राइट साइड में ज़ीरो कब होगा? दो कंडीशन पे ज़ीरो होगा। पहली कंडीशन क्या है? इफ़ ए इज इक्वल टू सी, तो ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो ही आ जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है? ए माइनस सी शुड बी परपेंडिकुलर टू बी, तो मतलब ए माइनस सी, मतलब ए एंड सी का जो वो है डिफरेंस है परपेंडिकुलर टू बी हो जाता है अभी भी। तो ये परपेंडिकुलर वाली कंडीशन, हमने परपेंडिकुलर वाली कंडीशन से प्रूव कर दिया कि वो इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, इसके बिना इक्वल हुए भी ज़ीरो हो सकता है, मतलब इक्वल हो, ये बिना, ये इन दोनों के बिना इक्वल हुए भी ये कंडीशन मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। ड्रा द ग्राफ फॉर द फॉलोइंग डाटा एंड ड्रा टेंजेंट एट दीज पॉइंट्स, फाइंड द स्लोप ऑफ दीज टेंजेंट्स, वेरीफाई दैट द कर्व ड्रॉन इज दिस एंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज दिस। पहले तो कर्व ड्रा करते हैं, ये वैल्यूज दी हमें एक्स एक्सिस पे, हमने ले ली एक्स पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे 10 तक लिया। इधर देखो ये थोड़ा सा ये फास्ट इंक्रीजिंग है, तो यहाँ पे 10 10 का डिवीजन 10, 20, 30 ऐसे ले लिया, ठीक। तो 1 पर 2 है, तो ये टेंटेटिव डॉट लगा लेंगे, ये जब 2 है तो उस समय 8 आ रहा है कुछ, है ना। फिर 3 पर कितना आ रहा है? 18, 20 से थोड़ा कम ले लिया। 4 पर कितना आ रहा है? 32, 30 से थोड़ा ज़्यादा ले लिया। 5 पर ऐसे इस तरह से डॉट आ रहा है, इनको ज्वाइन कर देते हैं हम। ठीक है, इस तरह से करवा रहा है, एक मिनट, लाइक दिस ये करवा गया। तो अभी हमें इसमें देखना क्या है, ड्रॉ द टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू, एक्स इज इक्वल टू पर टेंजेंट ड्रॉ की ऐसे, ठीक है, एक्स इज टू पर टेंजेंट ड्रॉ की कर ली, 4 पे भी ड्रा करेंगे, पहले 2 का देखते हैं। एंड फाइंड द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट, इसका स्लोप देखते हैं, स्लोप क्या होता है? परपेंडिकुलर। अब तो स्लोप इज टेन थीटा विच इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना दिखा रहा है? ये 8 है, बेस जो है ये इतना ही है, ये परपेंडिकुलर 10 थीटा, तो 1, तो ये 8 आ गया स्लोप, ठीक है। दूसरा चेक हमें कैसे करना है? y इज इक्वल टू 2x² को डिफ्रेंशिएट करते, तो यहाँ पे हमने डिफ्रेंशिएशन दिया हुआ है, अभी पावर आ गया जाती 2 × 2 4x हो जाएगी, तो इसको भी स्लोप बोलते हैं, वी कॉल इट स्लोप, दिस 10 थीटा होता है एक्चुअली में। वेरिएबल कंडीशन में dy/dx लिखते, कांस्टेंट है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखते, तो एट x इज इक्वल टू 2 पे चेक करते हैं, तो स्लोप विल बी 4 × 2 8, देखो दोनों में आ रहा है, इसमें भी 8 आ रहा है ना। ये टेंटेटिव था, वो अपना जो है एक्यूरेट देगा हमें, दिस विल बी एक्यूरेट डिफ्रेंशिएशन से, ये फार्मूले से, और ये रफ देगा हमें क्योंकि बहुत केयरफुली ड्रॉ करना पड़ेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो दैट इज़ हाउ इट गोज, बाकी क्रॉस चेक कर सकते हैं, ये हमने एक पॉइंट डिस्कस किया, यू कैन डू इट अदर पॉइंट। थैंक यू, विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चंस। थैंक यू।